अंजुम तेरे पीछे है ये भटके हुए राही, अब राह दिखाना तो तुझे आर नहीं, राह दिखाना तो तुझे आर नहीं और मंदिर का भी दूर तक आसार नहीं। लेकिन ये सफर इतना भी हमारे जर्मनी में शोरा की फिरिश्त लहज तवाना आवाज खूबसूरत लगो लहजा और जब आप इनका कलाम सुनेंगे तो फिर आप पूरी तरह से करेंगे क्या कैसा लगा जनाब आतिफ तौकीर साहब आप दोस्त लेने के लिए बात कर रहे हैं और खूबसूरत अदाफा यहाँ पर शोरा कलाम की जनाब आतिफ तौकीर मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है, मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है, लेकिन हमारे दरमियान फिर भी बुलंदो पस्त, मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है, लेकिन हमारे दरमियान फिर भी बुलंदो पस्त है, ऐसी घनेरी थी रबी के एक दिया भी मोतबर, ऐसी घनेरी थी रबी, ऐसी घनेरी थी रबी के एक दिया भी मोतबर, ऐसी कठिन मुसाफिर के एक कदम भी चस्त है, ऐसी घनेरी थी रबी, ऐसी घनेरी थी रबी के एक दिया भी मोतबर, ऐसी कठिन मुसाफिर के एक कदम भी चस्त, जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाब हुआ, जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाब हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है, जिंदा में आंख बंद की जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाब हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है, यानी बला के हब्स में जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाब हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहा रहा, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहा रहा, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त, हरेक दलील में तेरा ही रद निहार रहा, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त है, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त है। चंद इशारों वक्त की तेज हवा शोर तो डाले हुए है, वक्त की तेज हवा शोर तो डाले हुए है, एक दरीचा तेरी खुशबू को संभाले हुए है, वक्त की तेज हवा शोर तो डाले वक्त की तेज हवा शोर तो डाले एक दरीचा तेरी खुशबू को संभाले हुए है, इश्क है चाके गरीबानियों आहो सोजा, इश्क है चाके गरीबानियों आहो सोजा, तू कहां अकलो खिरत बीच में डाले, इश्क है चाके आहो सोजा, तू कहां इश्क है चाके गरीबानियों आहो सोजा, तू कहां अकलो खिरत बीच में डाले, कहां अकलो खिरत बीच में डाले। नज़्म सुनाता हूं, इसका नाम है ऐतराज़, इसी हाल मौजूदा हालत में मैं भी इस अर्ज़े पूरा शोक का बाशिंदा हूं, मैं भी इस अर्ज़े पूरा शोक का बाशिंदा हूं, जिस पे हर रोज कयामत सी गुजर जाती है, जिसके महवश गुदो गुलजार हैं अब नौहा, जिसकी गलियां हैं कि बारूद की बुआ,
मैं भी इस अर्ज़े पूरा शोक का बाशिंदा हूँ जिस पे हर रोज कयामत सी गुजर जाती है, जिसके महवश गुलो गुलजार हैं अब नोहा कुना, जिसकी गलियां हैं कि बारूद की बू आती है, शोकिये रंगे गुलस्तां से दमकते चेहरे अब किसी खौफे मुसलसल से हैं मुरझाए, मस्तिये रक्से सकाफत की जो रफशंदा थी अब के बम्बार दरिंदों से है गहनाए हुए, चौकिए रंगे गुलस्तां से दमकते चेहरे अब किसी खौफे मुसलसल से हैं मुरझाए हुए, मस्तिये रक्से सकाफत की जो रखशंदा थी अब के बम्बार दरिंदों से है गहनाए हुए, रोज एक सुबह सुनाती है मेरे लोगों को एक कहानी के जो तारीख से माफूज नहीं, रोज एक सुबह सुनाती है, रोज एक सुबह सुनाती है मेरे लोगों को एक कहानी के जो तारीख से माफूज नहीं, रोज एक शाम गरीबा, रोज एक शाम गरीबा का समा होता है, खौफ ऐसा है कि कोई यहाँ महफूज नहीं, रोज एक सुबह सुनाती है मेरे लोगों को एक कहानी की जो तारीख से माफूज नहीं, रोज एक शाम गरीबा का समा होता है, खौफ ऐसा है कि कोई यहाँ महफूज नहीं, काफिला सुबह दरख्शां के लिए निकला था पर उसे घेर लिया रात के कज़ाकों ने, काफिला सुबह दरख्शां के लिए निकला था पर उसे घेर लिया रात के कज़ाकों ने, अब कोई दाद रसन है ना कोई दाद रसी, वक्त को भेज लिया मजहबी सफाकों ने, काफिला सुबह दरख्शां के लिए निकला था पर उसे घेर लिया रात के कज़ाकों ने, कोई दाद रसन है ना कोई दाद रसी, वक्त को भेज लिया मजहबी सफाकों ने, शेख मुल्ला है सभी कत्ल के फतवों के अमीन, मस्जिदों जुब्बा और दस्तार सभी फासिक हैं, अब कहाँ जाए कोई किससे मुनसफी चाहे, हाकिमों आदिलो हाकिमों सिपाह सब मुनाफिक हैं, शेख मुल्ला है सभी कत्ल के फतवों के अमीन, मस्जिदों जुब्बा और दस्तार सभी फासिक हैं, अब कहाँ जाए कोई किससे मुनसफी चाहे, आप आदिलो हाकिमो सिपाह सब मुनाफिक हैं, खामशी शोर मचाती है मेरी गलियों में करियाओ कूचाओ बाजार से हसरत की सदा, लड़खड़ाते हुए बुझते हुए हर रोज दिए मिंबरों मस्जिदों मीनार से नफरत की सदा, ऐ मेरी अर्ज़े वतन मैं भी एक मुनाफिक था, ऐ मेरी अर्ज़े वतन मैं भी एक मुनाफिक था, मुनसिफो हाकिमो सालारो अफसरों की तरह, मेरे होंठों पे भी एक चुप थी जो सितादा थी, खौफे बेबस की तरह सोखता बख्तों की तरह, मैं कशो शौकिये दिल दादा ओ हुस्नो मस्ती, मैं के शायर था जिसे अपने दुख दुरीदा थे, मैंने देखा ही नहीं शहर खून में तर था, मैंने देखा ही नहीं लोग सर बुरीदा थे, और अब यूं है कि मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ, सिफते शेरो बयां रख के चुप ही भरता रहा, मुझको मालूम थी अपने कलम की कुव्वत भी, और मैं था कि इन इस्लामियों से डरता रहा, जाहिले मुत्तको सफाक दरिंदो सुन लो, मैंने अपने कलम की चुप को तोड़ डाला। दरिंदो सुन दो, मैंने अपने कलम की चुप को तोड़ डाला। तुमने एक खौफ की बीजी थी फसल दिल पे मेरे, मैंने उस फसल को हाथों से फोड़ डाला, मसलक व मजहब व ईमान पर ये कत्ल करी जुल्म है और उसे जुल्म कहा जाएगा, और तुम्हें अपनी पनाहों में लेने वालों को तुम दरिंदों सा दरिंदा ही लिखा जाएगा, मसलक व मजहब व ईमान पर ये कत्ल करी जुल्म है और उसे जुल्म कहा जाएगा, और तुम्हें अपनी पनाहों में लेने वालों को तुम दरिंदों सा दरिंदा ही लिखा जाएगा, जाहिले मुतलक सफाक दरिंदो सुन लो, मैं सो भी जाऊं तो मेरा कलम नहीं सोता, जाहिले मुतलक सफाक दरिंदो सुन लो, मैं सो भी जाऊं तो मेरा कलम नहीं सोता, मैंने बचपन में फकत एक सबक सीखा था जो वो जालिम वो बहादुर कभी नहीं। आज की हमारी चीज क्या बहुत उमदा जनाब सर शामे महफिल, इसको कहते हैं 21वीं सदी में उर्दू की नई बस्तियों में शायरी जो हो रही है, अभी आपने जो सुना मैं समझता हूँ कि ऐसी शायरी
کیونکہ میں انگریزی شاعری اور فارسی شاعری جو موجودہ ہو رہی ہے اس سے واقف ہوں. نہیں ہو رہی ہے یہ بڑی شاعری جس میں احساس کو ذہنوں میں پوری طریقے سے جلا کر پیش کیا جاتا ہے. بس دو شعر کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہنماؤں کو ہٹا دو. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہنماؤں کو ہٹا دو اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا میں فخر ہے نظر آتے ہیں تجھ کو اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا. ایک ہلکی پھلکی سی رومانی غزل ہے کہ اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے. اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے تو دل کے فاصلے پھر کم نہ ہوں گے. اگر پہلو میں تیرے ہم نہ ہوں گے تو دل کے فاصلے پھر کم نہ ہوں گے اور چراغوں کو بجھا کر کیا کرو گے دلوں کے داغ تو مدھم نہ ہوں گے. دلوں کو چراغوں کو بجھا کر کیا کرو گے دلوں کے داغ تو مدھم نہ ہوں گے اور تمہارا شہر چھوڑے جا رہے ہیں مگر چرچے ہمارے کم نہ ہوں گے. تمہارا شہر چھوڑے جا رہے ہیں مگر چرچے ہمارے کم نہ ہوں گے. اور عرض کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں فقط اس انجمن میں جہاں وہ جانتے ہیں ہم نہ ہوں گے.